तो जनता समझिए, ये आज के हित की सरकार नहीं है, ये उपयोगी नहीं अनुपयोगी है। और मैं आखिर में एक शायर से खत्म करना चाह रहा हूँ कि जुल्म के साये में आखिर लब खोलेगा कौन, और अगर हम अभी चुप रहे तो बोलेगा कौन। संगठन की ओर से इस दो दिवसीय हड़ताल जो मजदूर संगठनों और श्रमिक संगठनों द्वारा बुलाया गया है, मैं इसका क्रांतिकारी इस्तकबाल और पुरजोर समर्थन करता हूँ। इस बात को समझना होगा, ये सरकार आई थी ये कहते कि ये मजदूरों की सरकार है, गरीबों की सरकार है, पिछड़ों की सरकार है, दलितों की सरकार है, युवाओं की सरकार है, छात्रों की सरकार है, लेकिन ये अपने ये 7 साल के कार्यकाल में यह घोषित कर दिए हैं कि ये किसी की सरकार नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ पूंजीपति और कॉरपोरेटों की सरकार है, और उनके हितों में काम करने के लिए ये सरकार बनी है। जिस तरह से नई आर्थिक नीति हो या नई शिक्षा नीति हो, उसमें सिर्फ और सिर्फ 44 वर्गों का ही हित साधना साधनी की जो दी गई है, वो साथ साथ जाहिर करता है कि ये सरकार कहीं से भी लोक हित की सरकार नहीं है, और ये समाज हित की भी सरकार नहीं है, सिर्फ ये सिर्फ कॉर्पोरेट हित और पूंजीपति हित की सरकार है। और इस बात को हम लोग को समझना होगा, अगर आज नहीं जागे तो देर हो जाएगा। इसीलिए मैं अपनी बातों को समाप्त एक मगही के कविता से करना चाहता हूँ कि जुल्मी बरलो तो तू हो बरी जा, कि जुल्मी बरलो कि तू हो बरी जा, दुश्मन के छाती पे चढ़ जा, अभूत से तरफ के मरवा का है, मरले होला तो लड़के मर जा, लड़के मर जा, लड़के मर जा। और मैं आखिरी में ये कहना चाहूंगा कि ये जो सरकार है आपकी आवाजों को सुनने वाली नहीं है, अब कोई नेगोशिएशन नहीं होगा, ना कोई बातचीत होगी, अब क्रांति होगी। क्योंकि जब प्रदेश में, जब किस्मत में प्रदेश लिखा हो तो वतन को क्या याद करना, और जहाँ बेदर्द हाकिम हो वहाँ फरियाद क्या करना। तो ये जो हाकिम है जो वहाँ बैठे हुए है बेदर्द हो चुके हैं, उनके चंदा के दर्द से कोई लेना देना नहीं है। और ये जो कोरोना काल का जो पैंडेमिक था वो इस बात को बता दिया है कि ये सिर्फ और सिर्फ आपदा को अवसर बदलने की तलाश करती है, और कैपिटलिस्ट वर्गों को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। ये ना ही श्रमिक वर्गों के लिए कोई अनुदान देती है, और न ही हमारी आशा बहनों के लिए, सिर्फ ये सिर्फ अंबानी का कर्ज माफ करते हैं और अडानी का कर्ज माफ करते हैं। किसी से इनकी दोगली नीति पति चल जाती है, ये किसकी सरकार है। तो हमें इस बात को समझना पड़ेगा, और एक क्रांति जो 2 दिवसीय है, और इससे भी हम लोग को और पुरजोर तरीके से इस सरकार को चोट देना होगा। क्योंकि आज कुछ लोग हैं देश में जो कश्मीर फाइल जो फिल्म बनी उस पे आंसू बहा रहे हैं। हम पूछना चाहते हैं, उस समय आपका आंसू कहाँ था जब गंगा में लाशें बह रही थी? ये मेरा सवाल है, आप कहाँ थे जब हाथरस की बेटी को जला दिया गया, और आप कहाँ थे जब यूपी में किसानों को चल दिया गया, उस समय क्यों नहीं आंसू निकल रहा था? तो जनता समझिए, ये आज के हित की सरकार नहीं है, ये उपयोगी नहीं अनुपयोगी है। और मैं आखिर में एक शायर से खत्म करना चाह रहा हूँ कि जुल्म के साये में आखिर लब खोलेगा कौन, और अगर हम अभी चुप रहे तो बोलेगा कौन। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा की तरफ से क्रांतिकारी लाल सलाम इस्तकबाल।